हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो HTML को लेकर के बना रहा हूँ। जो भी वेब डेवलपर बनना चाहते हैं उसकी राह में रोड़ा बनता है सबसे पहले टेबल। तो टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे और टेबल के बारे में जानेंगे। अब एक डेमो के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ आउटपुट, जो कि टेबल का ही है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये कोड है टेबल का जो टेबल बनाने के लिए मैंने लिखा है और इसका आउटपुट यहां पर आपको मिल जाएगा। ये देखिए, ये टैब के नाम से इसे सेव किया है। अब यहां पर देख सकते हैं ये जो संडे लिखा हुआ है और यहां पर जो लाइन बनी हुई है पतली सी, बाहर एक मोटी सी लाइन बनी हुई है जो कि टेबल की लाइन है, ठीक है। और यहां पर ये जो लाइन है ये सेल की स्पेसिंग बताती है। तो अगर हम सेल की स्पेसिंग बढ़ा दें तो ये जो मोटी वाली लाइन है और ये जो पतली वाली लाइन है दोनों के बीच में गैप बढ़ जाएगा। यहां पर देख लीजिए कोडिंग में, यहां पे सेल स्पेसिंग 1 रखा गया। अगर मैं इसी को 15 कर देता हूं और फिर इसको सेव कर देता हूं, तो ये सेव भी कर दिया हमने। अब इसको देखते हैं एक बार, रिफ्रेश कर देते हैं। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये देखिए सेल्स, ये जो मोटी वाली लाइन है और ये जो लाइन है दोनों के बीच में गैपिंग बढ़ गई है। इसे कहते हैं स्पेसिंग। अगर आप और बढ़ाना चाहते हैं तो यहां पर इसकी साइज को और इंक्रीज कर दीजिए, लाइक 35 कर दिया हमने, तो ये जो गैपिंग है और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो ये देख सकते हैं ये गैपिंग और ज्यादा इंक्रीज हो गई। लेकिन अगर इसको घटाना हो तो यहीं पे इसे आप चेंज कर सकते हैं। यहां पे केवल अगर 3 रख देता हूं तो ये देखिए ये जो स्पेस है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, घट जाएगा। तो चलिए एक बार इसको रिफ्रेश कर देते हैं यहां से, तो देखिए ये ऑटोमेटिकली घट चुका है स्पेस, ठीक है। तो ये होता है स्पेसिंग। और पैडिंग क्या होता है, पैडिंग के बारे में देख लेते हैं। तो ये देखिए यहां पर पैडिंग लगाया, पैडिंग को मैंने 20 रखा है। अगर मैं 20 से हटाकर 2 कर देता हूं पैडिंग, ध्यान दीजिएगा कंट्रोल एस किया, इसको 2 कर दिया पैडिंग को, तो अभी आउटपुट ये 20 वाला ही है। अगर 2 वाला आउटपुट देखेंगे तो 2 वाला आउटपुट ऐसे आ जाएगा। पैडिंग यानी इसके फैलाव के बारे में बात कर रहा है। अंदर वाली जो लाइन ये बनी हुई है, अंदर वाला जो ये बना हुआ है, इसके बीच में कितना फैलाव होगा ये डिसाइड करना काम होता है पैडिंग का, ठीक है। अगर हम इसको फिर वापस से बढ़ा देते हैं, लाइक ये देखिए यहां पर अगर मैं 35 कर देता हूं तो आप देखेंगे कि ये तो स्पेसिंग हो गया, हमें पैडिंग बढ़ाना है। तो ये देखिए ये इसको 25 कर देता हूं पैडिंग को, तो जैसे ही 25 करेंगे तो अब देखिए इसी का स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा। तो पैडिंग करते ही कुछ ये स्ट्रक्चर आ रहा है। अगर आप इसको और बढ़ा देते हैं तो फिर स्ट्रक्चर इसका चेंज होगा। लाइक 35 अगर मैं कर देता हूं इसको, तो अभी देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बदल जाता है। तो यहां पे इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये देखिए ये जो गैपिंग है ना, ये जो गैपिंग है, ये पतली वाली लाइन और ये संडे जो लिखा हुआ है, इसके बीच की गैपिंग जो है ये इंक्रीज करने का काम पैडिंग करता है। आई होप कि बात समझ में आई होगी कि सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में क्या डिफरेंस होता है। टेबल बनाते समय ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।